अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद कर रहे हैं सारे ठीक हो। सो मैं आसिफ अली तुसों तक कीरो अपना फैमिली यूट्यूब चैनल दनगली टीवी। आज सो की कलियाम शरीफ मेले नी वीडियो सो की चेक कराने पे विद डॉक्यूमेंट्री। ठीक है कलियाम, मेले पर काफ़ी ध्यान है तो थोड़ा प्रोग्राम सो की ऐसा दसा कि मेला किया जो ना बाकी मुड़ा चैनल प्रोफाइल पर जी विजिट कर जरूर जीता माड़ी चूंकि पिक्चर छोड़ी नज़र क्लिक करी सो वीडियोज नहीं ऑप्शन पर जा सो ते अनगिनत सो की लेटेस्ट मेले नी जड़ियां वीडियो ही वो तुसों की तकने की मिली जा सन। कलियाम शरीफ मेले नी गल कीते जाए तो इत्थे हजारों ने साहब पर ऊंट है वे इस बारी मेले पर मेला जो कलियाम शरीफ वाला 2024 जो 31 दिसंबर तू 9 जनवरी जी जारी आज आखिरी दिहाड़ा मेले ना और बड़ी मुश्किल ना अस गए क्योंकि पंजाब ने अंदर जी फोग धुंद ने जड़े दिहाड़े काफ़ी ज़्यादा अरूज पर और बिल्कुल सुबह तकरीबन 10 बजे जी जो सा इलाका आ ठीक है उतो निकले और बिल्कुल अद्धे निगाह जी जीरो होनी और काफ़ी मुश्किल सफ़र तय कर दस कलियाम शरीफ मेले पर गए सौ कि कलियाम शरीफ ऊंठा नहीं एंट्री चेक करा सा कि ऊंट की सेंटर होने जो उत्थे बकायदा तौर पर ऊंठा नहीं उत्थे मंडी लगी जानी आया जाना कि इतने ऊंट इतों पूरा काफिला गुजरना होया और एक ऊंट उत्थे बैत सा वह बंदा उस ऊंट तो खन्ना पैसा कोई काफिला सा या कोई मंडी सी नज़दीक तरी कलियाम ने तो फिर उतो जिले एक ऊंट जाना पैसा और बाकी ऊंटा ने काफले नाल बाकी बंदे भी से जिसे उतो गुजर रहा उन्होंने कि ऊंटनी जड़ी लाती फ्रैक्चर होगी उसने टंग ठीक है उस फिर बाकी लोगों है जी तुम कलियाम बैठे हो बाबा फजल शाह कलियामी ने उसने बावजूद भी तुमने ऊंटा ने लत भजी गई तो फिर वो उन्होंने काम यह किया कि वह बंदा घनी ऊंट तो बाबा फजल शाह कलियामी ने खिदमत अगदसी पेश होया तो और उस आया कि बाबा जी ये लोग मी आने कि तुम बैत होने ने बावजूद ही बाबा फजल शाह कलियामी ने रहमतुल्लाह अलैह ने फिर भी तुमने ऊंटा नहीं लत भजी कि क्यों ऐसा होया तो बाबा फजल शाह कलियामी ना मौजा सा कि उन्होंने आया जी जात बड़े ऊंठा की लत ठीक होगी और मैं इस ऊंठा ऑपरेशन कर इसकी ठीक करी उड़ा तो बस जी उस वक्त ऊंट बिल्कुल सही सलामत उठी तो अपने लत्तों पर टुरी पिया तो इस अकीदत तो इस वाक्य तो बाद भी इतना ज़्यादा ऊंट हसना शुरू होगी और दूआ नंबर इतने बाबा फजल शाह कलियामी ने ऊंठा मुहब्बत प्यार जरा भी काफ़ी ज़्यादा सा जिसकी वजह से लोग अशने मेले पर और मैं सी दसा कि पाकिस्तान ना कोई ऐसा कौन नहीं जितना इतना ऊंट ना इस मेले जीतू आए हूँ आजाद कश्मीर ने सारे इलाके चु मैं अक्सर ऊंट तक के मीरपुर खाड़क इस इलाके ने और दूर दराज तो जो ऊंट लोग आने और कश्मीर ने अंदर ऊंट रखने का शौक काफ़ी कदीम और अशने नस्लों चु कन्वर्ट होना पे इस तरह इस तरह पंजाब की गल की जाए मंडी बवालदीन मियाँ अली गुजरात ठीक है इस तरह के इलाके चकवाल ने अंदर जेलम इस इन एरिया ने ज़्यादातर ऊंट इतना तकने के मिले और अक्सरियत सौ कि जेलम जोड़ा इलाका उस इलाके ने सौ कि ऊंट तकने के मिल सन और लोग इतना अशने मुख्तलिफ जबाना बोलने लेकिन इतना अच्छी उन्होंने इक् नारा होना या फजल हक फजल ठीक है तो बाबा फजल शाह कलियामी ने नारे लाने उसने और एक बड़ी इंट्रस्टिंग गल दसा जितने भी ऊंट उसने कोई शादर नादरी कोई ऊंट वै कि जोड़ा कोई गड्डी कुछ आता वै या कुछ लोड गड्डी या ट्रक आता वै ज़्यादातर लोग पैदल सफ़र करी मीलों मील सफ़र पैदल करी तो इतने बाबा फजल शाह कलियामी रहमतुल्लाह अलैह ने खिदमत अकदस अशने और इतने सलाम करने खुद भी और ऊंठों की और एक और चीज़ में क्योंकि मैं तीसरा साल है इतने जाने वो मैं नोट की कि इतने मेले भी जिसों तक सो कि जितने बंदे जी बाबा फजल शाह कलियामी ने बिल्कुल दर पर उन्होंने रोज़ा मुबारक पर जिस तरह मत्था टेकने इस तरह तरह ऊंट भी बकायदा ढोल और धूरियों और बाजियों नाल बिल्कुल बड़े रवायती अंदाज खन्ने और उत्थे सलामी कराने ये नहीं होई सकना कि ऊंट उत्थे मंडी च खड़न उतो ही मोड़ी जान ते उत्थे बकायदा तौर पर बाबा फजल शाह कलियामी रहमतुल्लाह अलैह ने दरबारे अकदसी उत्थे हाजरी लवाने ऊंठां दी और उतो फिर वापस आने मंडी च मंडी की गल की जाए इतने ऊंट लाने ना एक तो बाबा फजल शाह कलियामी ने प्यार मुहब्बत और उत्थे जड़े लोग बैठे जड़े कीदत रखने क्योंकि बड़ा एक ईमान फरोज इन्होंने वाकई भी है क्योंकि इत्थे आने ना मकसद एक सलाम दुआ अपने ऊंठों की नमैश करने ठीक है एक दूए की दसने के असा ऊंट थोड़े तू चंगा रखा हो इस तरह की कोई गलबात होनी दूआ नंबर इतने ऊंटों की खरीदो फरोख्त भी होनी मंडी इसकी आया जाना कि कलियाम शरीफ मेले नहीं ऊंटा नहीं मंडी ठीक है इतने काफ़ी ज़्यादा है 7-7 8-8 लाख ना एक नॉर्मल ऊंट जो कि दरमियाने साइज ना
ओह तुसो मिलो और काफ़ी महंगे ऊंट भी तू मिले। कई लोग असंकी कमेंट करने जी आने जी ऊंट सो दसो कि इसकी कीमत क्या है, असों की ऊंटा ना कोई उस अपना शौक नहीं, बस कलियाम शरीफ मेला असों की दसने असों बावे रण जाने सलाम करने दे मेले पर दस क्यों असं की आने कोशिश होनी कि तुसों की कलियाम शरीफ मेले ने ऊंट दसे जान। तो एक इस तरह का वाकया पी नसीरुद्दीन नसीर ने तकरीर एक वाकया सो सुनिया सी कि उन्हें आखिया जी बाबा फजल शाह कलियामी रहमतुल्लाह अलैह जड़े वो नमाज नहीं से पढ़ने होने और नमाज जी बजहरी और नमाज नहीं पढ़ने होने से हाँ अलबत्ता को दुनिया तो चोरी छुपा कर पढ़ने होने, लेकिन उन्होंने जिले वसाल होया इस दुनिया फानी तो पढ़ता होए और उस टाइम सारे बंदियां आखिया कि इन्होंने जड़ा जनाजा वो नहीं पढ़ाया जाना क्योंकि इन्होंने कोई नमाज नहीं शहादत नहीं। लेकिन और एक और इसने गल सी कि हाल जी कवाली जिस तरह मेरे पीर मुर्शद पीर मेर शाह गोलड़ा शरीफ पीर नसीरुद्दीन नसीर ताजदारे गोलड़ा उन्होंने जड़े दरबारे अकदस से गोलड़ा शरीफ उत्थै साज बजना रोज़ 11 बजे 11:15 बजे उत्थै कवाली होनी और इस तरह तरह इत्थै भी कलियाम शरीफ च होया सिलसिला इत्थै भी कवाली होनी कई सिस्टम जा इत्थै दो दरबारों पर ठीक है। उन एक लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि उस टाइम उन्हें उनसे कि बिदतिया नाउज बिल्ला ए जड़ा ना साज ना शौक रखना बाबा फजल शाह कलियामी रहमतुल्लाह अलैह की लोग आखने से ठीक है। तो फिर एक जिले उन्होंने वसाल हो गया उस ख्वाब बिच गए पीर मेर अली शाह साहब ने कि पीर मेर अली शाह साहब कुत्थे हो तुसी तै माड़ा जनाजा पढ़ाओ। ख्वाब बिच जिले बेदार हो उस बिल्कुल जी उस उन्होंने अपनी बग्गी शग्गी तैयार कराई तो आने जी जलो बाबा फजल शाह कलियामी रहमतुल्लाह अलैह ने जनाजा अपने ते जिले कलियाम शरीफ सो की पता कलियाम मोड़ अशना पहले रवात रोचो या मंदरा रोचो फिर कलियाम मोड़ तू तकरीबन 8-10 किलोमीटर सफर अग्गे बनना कलियाम शरीफ जी दरबारी उत्थे जी या कलियाम अवान जड़ा इलाका। लेकिन जिले उत्थै वह पहुंचे उन्होंने बग्गी पहुंची तो बाबा फजल शाह कलियामी सामने बिल्कुल खलते से उन्होंने इस्तकबाल वस्ते ते उसलै जहरी गाली उन्होंने घुमा बुला था आपस से जिससे पीर नसीरुद्दीन नसीर उन्होंने वाकया सो सुनिया उसी वो मैं थोड़ा जहा बयान करने की कोशिश करना पाया कि कोई गलती कुताही होगी माफ़ करे क्योंकि उस जिला खलते हुए उन्होंने आया जी तको बाबा फजल शाह कलियामी आने फोत हुए लेकिन इतने फिरने बंदे जो धक्के उन्होंने आया जी कि यह नहीं ये इस्तकबाल वास्ते हो ही नहीं सकना पीर मेर अली शाह साहब कलियाम शरीफ अचन और बाबा फजल शाह कलियामी उन्होंने इस्तकबाल ना कर उन्होंने कि वेलकम ना आखने हो ही नहीं सकना। तो फिर जी बाज जगह इस लोग आया कि एक मौलवी साहब से उन्हें पूरी खच्चर जी है वो किताबों ना फतवे ना भरी जाती सी कि मैं कोई हवाला ना ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई जनाजा पढ़ाई सकया। लेकिन पीर मेर अली शाह साहब अगर जी खलते और उन्हें आया जी कि मैं जनाजा पढ़ा सा कोई फतवा है तो दसो कोई बंदा नहीं बोलिया और जनाजा पढ़िया सारे लोगों फिर पीर मेर अली शाह साहब ने पीछे ते फिर पीर में पीर बाबा फजल शाह कलियामी रहमतुल्लाह अलैह की दफनाई छोड़िया ठीक है जी। एक तसलसल आ उस टाइम तो कि बाबा फजल शाह कलियामी ने एक वैद मेला पठोहार ने अंदर जिते बहुत ज्यादा अनगिनत लोग ने इस तरह भी वाम इतना तक और कंधे नाल कंधा जुड़िया और एक गाने होने एक कहावत कि सुई रखने नहीं जगह नहीं इतने सुई रखने नहीं भी जगह नहीं सी। तो बहरहाल जी तुम सारे लोगों का शुक्रिया थैंक यू जितनी वीडियो लाने असा कोशिश होनी कि तुम कि एक अच्छा अथेंटिक कॉन्टेंट दिता जाए एक अच्छी वीडियो दी जाए माशाल्लाह तुम बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देने। लेकिन एक माजरत नाल चीज़ दसा कि साड़ा ऊंटा कोई तलक नहीं ना कुसै बंदे की जानने कि कौन कुत्थे है बस वीडियो बनाई तुम कि दसने सिर्फ कलियाम शरीफ मेले की कीदत नाल। बाकी जी साढ़े चैनल की लाजमी लाजमी सब्सक्राइब कराया वीडियो की लाइक कराया चैनल की लाजमी लाजमी सब्सक्राइब कराया। बाकी सामने इस इंट्रोडक्शन देना एक वीडियो दिता क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होनी ढोल बाजे ठीक है और उसने तो बाद ऊंटों पर बैटरियां फिट कीतियां उन्हें ऊंटा के जोड़े मालक है ठीक है वो फिर एक ज़्यादा म्यूजिक चलाने पे अपने अपने इलाके ने म्यूजिक लाया अपने अपने इलाके ने सौंग कोई सराकी है तो सराकी गाने लाए कोई पंजाबी है तो पंजाबी गाने लाए कोई कश्मीरी है तो ऊंटों पर कश्मीरी सॉन्ग लाए इस तरह तरह जी मुख्तलिफ कुछ लोगों कवाली बाबा फजल शाह कलियामी रहमतुल्लाह अलैह ने जिन्हें जिन्हें कवालों कवालियाँ उन्होंने खिदमत पेश की वो कवालियाँ उन्हें भरी तो किसी चीज़ में अपर बैटरियाँ फिट करी तो उन्होंने साउंड सिस्टम में लाई हुई इच्छा इंट्रोडक्शन या किसी को गल पुछना असं पिछली बार कोशिश तो की थी कि असं गल करा लोगों किसी को पुछा
कलियाम शरीफ मेले पर बहुत सारे लोगों ने गल्ला कीतिया, लेकिन उस फिर साउंड ना काफ़ी ज़्यादा मसला होना, फिर वीडियो ना मसला मज़ा नहीं इच्छना, ठीक है। तो जिसकी वजह तो इस बार डिसाइड किया कि असा बिहाइंड बैकग्राउंड वॉइस जड़ी गाली उस पासना, लेकिन इतना गल करना एक लोग थोड़ा जहा जरा झिझट महसूस कर, थोड़ा जी डर महसूस करेंगे, पता नहीं कौन आज साढ़े क्या पूछना, तो इस थोड़ा जहा टाइम भी शार्ट सा, क्योंकि पता दिसंबर ने जो दिहाड़ियाँ होनी बहुत ज़्यादा जोड़े ना वो दिहाड़ छोटी होनी, जिसकी वजह तो असं जल्दी जल्दी गए वीडियो बनाई और टाइम नहीं सत्या में कला सना ड्रोन वीडियो बनाई इस बारी, लेकिन काफ़ी अच्छी जड़ी वीडियो समझते हैं बनी गई और एक अच्छा कॉन्टेंट बनी गया। ते दुआ नंबर एक गली की जड़ी जानी कलियाम शरीफ अली, इतना तक सो तो अनगिनत मैं गिनी ना सकना के पकौड़े जलेबी मठियाइया रंग बिरंगियाँ और खिलौने और मनियारी ने जोड़ा समान आ सारे अनगिनत दुकान इतना मौजूद दी और लोग खरीदारी करने कलियाम शरीफ मेले पर अच्छे। तो मैं आना कि कोई मैं मेले पठवार ने अक्सर जाना रहना वीडियो बनाना रहना जीता इतना उन्हें, तो मैं आखना कि पठवार ना एक बहुत बड़ा मेला शायद पाकिस्तान ना भी, मैं पाकिस्तान ने सारे मेले तो नहीं थके, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट मेला जोड़ा वो कलियाम शरीफ अगर आया जाए जिस तरह लोग अच्छे और जिस तरह रश होना, लेकिन हूँ तक वो एक और सड़ा कल्चर जोड़ा सड़ा मेलिया ना थोड़ा जहा साड़ी जी नौजवान की आदत थोड़ी जिसने को दूर हटनी भी जोड़ा वो प्रोफेसनल तरीका होना सा ढोल उपर डाली खन्ना फिर इस तरह कलियाम शरीफ ले ऊंट जाने ते वो थोड़ा थोड़ा घट होना पे अगर कोई खड़ा भी तो चंद बंदे होने, लेकिन एक कलियाम शरीफ ऐसा मेला कि शायद इसकी वजह है ऊंट है जो लोग तकने दसने आने जिस वारी ज़्यादा है घट है या इस तरह ना कुछ, लेकिन आया जाना कि कुछ साल पहले ऊंटा ने वजन भी मुकाबला होना वो बहुत लेट होना जिसकी वजह तो प्रॉब्लम हो सकनी सी, क्योंकि असकी पता लेट तो अच्छी ना सकने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिर सफर बनी जाना, तो असं दिहाड़ी दिहाड़ी जाने दिहाड़ी दिहाड़ी वीडियो बनाई तो तुसकी दसने इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी तुसकी जितनी भी वीडियो बनाई साढ़े चैनल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल रखे और सब्सक्राइब कर सो बैल आइकन प्रेस कर सो वीडियो की लाइक कर सो ताकि ज़्यादा लोग कलियाम शरीफ ना मेला तक ही सकन, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कि जिहड़ियां पुरानियां वीडियो या किसी ने कॉपीराइट वीडियो किसी ने वीडियो डाउनलोड करी सा माड़ियां वीडियो कई बंदे डाउनलोड करी टिकटॉक पर लाइव ने फेसबुक पर लाइव ने यूट्यूब पर लाइव ने उन्होंने तकड़े नहीं सा साड़ी वीडियो संग तक सो उसकी सब्सक्राइब करो लाइक करो फिर सह नहीं सो दुई नवी वीडियो अपलोड कर सो तुसा वीडियो सब तो पहले तक सो, ठीक है। तो जिस सर्च भी करो तो पिछले साल वाली लिखनी चाहिए, लेकिन साड़ा चैनल सब्सक्राइब कर सो बकायदा तौर पर मैं डेट भी ना लिखना कि यह फलानी डेट नहीं वीडियो है, ठीक है। पिछले साल या माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो चलिया सी तकरीबन पी छब्बी छब्बी हज़ार व्यूज पे गए उन्होंने पर लेकिन बाफजल शाह कलियाम रहमतुल्लाह ने दुआ हुई तो इंशाल्लाह अपने मकसद की कामयाब जरूर हो साढ़े चैनल की लाजमी सब्सक्राइब करा इस वीडियो पर भी 50 लाइक कम अज़ कम जोड़े वो कंप्लीट कर, ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाकी सुखी कलियाम या वीडियो दसो जरूर दसो और जितना हो सकता इतना तुसों की क्लोज व्यू देसो कलियाम शरीफ मेले ना लंगर ना इतना बड़ा वसी इंतजाम होना और जितने लोग अच्छे यकीन जानो बाबा फजल शाह कलियामी रहमतुल्लाह अलैह ने दरबार ने सदके इतना लंगर बनना उन्होंने वसीले नाल मैं तक्की तरह आने गया, लेकिन जड़ा जड़ा लोग जाना कोई भी लंगर तो फैजयाब होए बगैर कदा भी नहीं वापस इच्छना सारे लोगों ही लंगर मिलना और बड़े वाफर मकदार जितना कोई चाहे इतना लंगर खाए इसकी कोई मानत नहीं, ठीक है। दो बारी खाए त्रै बारी चार बारी खाए कल जड़े इन्होंने गद्दी नशीने साईं शबान जड़े बाबा फजल शाह कलियामी इन्होंने गद्दी नशीने उन्होंने माड़ी मुलाकात ही और जड़ा बंदा उन्होंने हम कलाम होना उन्होंने बोसो कनार उन्होंने हाथ पर करना, ठीक है, उन्होंने सलाम वगैरह करना तो जरूर उसने पूछने कि लंगर शंगर खादा ने कौन ही अगर कोई बंदा है जी खाई चुके हैं तो आने जी ठीक है जी अगर ना को है फिर वह बकायदा आने जी हथा बहुत सौ कि लंगर देसन उस साल ऑर्डर देने, लेकिन इतनी दुनिया में इस तरह कोई पूछना भी बड़ी गल होनी तो अल्लाह ताला उन्होंने साया साढ़े इस सारे पठवार पर कैम और दायम रखा, ठीक है जी। तो बाकी जी ऊंट सौ तक ही सकने बड़े बड़े मस्त और बड़े बड़े खूबसूरत ऊंट जोड़े लोग ज़्यादा ऊंटा लगाओ उन्होंने खूबसूरत भी लाने, लेकिन कुछ लोग डरने भी बार डरना भी चाहिए ऊंट को क्योंकि एक जानवर है जानवर को कोई पता नहीं होना कि बाकी अल्लाह सुनने वाला है।